महाशिवरात्रि के पहले प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर धाम बंदकपुर में एक बार फिर बड़ा चमत्कार देखने को मिला है। यहाँ पहुँचे भक्तों के लिए मंदिर के ऊपर एक तेज चमक दिखाई देती है, जिसे लोग ठीक से भी देख नहीं पाते। इसे लोग भगवान भोलेनाथ का चमत्कार मान रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ विराजमान भगवान भोलेनाथ के अनेक चमत्कार सामने आ चुके हैं। महाशिवरात्रि के पहले हुए अब तक सबसे बड़े इस चमत्कार की जानकारी लगते ही बांदकपुर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ लग गई है। महाशिवरात्रि के पहले हुए चमत्कार के बाद लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। यहाँ कोई हर हर महादेव बम भोले के जयकारे लगाते हुए पहुँच रहा है। लोगों को हर बार की तरह यहाँ एक और चमत्कार देखने को मिलेगा। यहाँ की विशेषता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के मंदिर पर लगे झंडे अपने आप ही आपस में मिल जाते हैं। इसके लिए मान्यता है कि अगर 1.25 लाख कांवर यहाँ पहुँचते हैं तभी ऐसा होता है। लेखक पंडित गोरेलाल तिवारी ने लिखा है कि त्रेता युग में भगवान राम की चित्रकूट यात्रा के पश्चात पंचवटी की दक्षिण यात्रा दमोह सागर के पास से हुई होगी। इसके प्रमाण उन्होंने दिए हैं। कवि भैरव प्रसाद वाजपेयी ने भी अपने जागेश्वर रहस्य में लिखा है कि युग परिवर्तन से यह तीर्थ क्षेत्र ध्वस्त हो गया था। सन 1711 में पुनरो भगवान स्वयं जागेश्वरनाथ प्रकट हुए हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की जानकारी देश और दुनिया को है। हर भक्त की भोलेनाथ के इन दरबार में पहुंचकर दर्शन लाभ अभिषेक की आकांक्षा होती है। जिनके चमत्कार की कहानी यहां पीढ़ियों से पहुंचने वाले भक्त बयां करते हैं। देश भर में भक्तों का यहां हर ज्योतिर्लिंग की तरह जमावड़ा लगता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भोले बाबा के दर्शन मात्र से वर्षों के पाप मिट जाते हैं। बुंदेलखंड और देश के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर में विराजमान जागेश्वरनाथ भगवान दमोह में स्थित है। भगवान जागेश्वरनाथ को देश के 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा करने के बाद यदि आपने भगवान जागेश्वरनाथ का नर्मदा जल से अभिषेक नहीं किया है तो यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए जागेश्वर को 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाने लगा है। 18वीं शताब्दी के अंत में एक दिन सुबह से इंदिरा नाम की कन्या जो बालक बालिकाओं के साथ मकर संक्रांति के समय देव पूजन के लिए आई थी, भक्तों की भीड़ या फिसलने के कारण वह बावली में डूबकर मर गई। कथानुसार मंदिर के पुजारियों ने उस मृत बालिका के शरीर को भगवान जागेश्वरनाथ महादेव जी की मूर्ति के समक्ष रखकर महादेव की स्तुति करते हुए कन्या को जीवन दान देने की प्रार्थना की गई। प्रार्थना के फलस्वरूप कन्या जीवित हो उठी। बताया जाता है कि एक बार भूकंप के धक्के निकल जाने से विशाल स्वर्ण कलश के ऊपरी कोण से आधी इंच मोटी जलधारा लगभग 15 मिनट तक अनवरत रूप से निकलती रही। मकर संक्रांति और सोमवती अमावस्या को उपस्थित जन समूह ने इस चमत्कारिक घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए MP स्वराज।